सरस मेले में इस बार करीब 1 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इंदिरा मार्केट की छत पर सजे मेले का वीरवार को समापन हुआ। 10 दिन तक चले इस मेले का उपायुक्त त्रिदेव ठाकुर ने समापन किया। 5 मार्च को शिवरात्रि महोत्सव के साथ ही सरस मेले का शुभारंभ हुआ था, जिसमें हिमाचल सहित 15 राज्यों के करीब 90 स्वयं सहायक समूहों के उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके राज्य का, आपके जो राज्य में जो अधिकारी हैं जिनके माध्यम से आपकी मेले में स्पॉन्सरशिप हुई है, उनका भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार का जो सरस मेले का आयोजन था वो हमारे काफ़ी देर में ये सरस मेले की अनुमति हमें मिली। आप जानते हैं कि मंडी की जो शिवरात्रि होती है उसमें सरस मेले का आयोजन करना हमेशा हमारी प्राथमिकता होती है, और ये कई महीनों पहले से ही तय होता है कि सरस मेला मंडी में है और क्या तारीख है जिसमें ये मेला आयोजित किया जाएगा। पर इस बार माहौल इस तरह से रहा कि जिसमें बहुत अंत में हमें अप्रूवल आई राज्य सरकार के माध्यम से कि सरस मेले की अनुमति आपको दी जाएगी, तो कम समय में यह आयोजित करना पड़ा, पर उसके बावजूद भी आप सभी लोग आए इस मेले की शान बढ़ाई, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ में DRDA के हमारे सभी जो कर्मचारी हैं, PO साहब और पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कम समय में इसको आयोजन करना बहुत बहुत अच्छी तरीके से इसमें प्रस्तुति देनी, और साथ में इनोवेशन के लिए भी मैं अतिरिक्त उपाय महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जितने भी ग्रुप आते हैं उनके लिए मोटिवेशन के रूप में एक पुरस्कार भी रखा हुआ है, जो PO साहब अभी चर्चा कर रहे थे, जिसके माध्यम से जिन्होंने अच्छे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लाए हैं उन सभी स्वयं सहायता समूह के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में ये जिला मंडी का DRDA का प्रयास है। तो आप सब आए, मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। आशा ये करता हूँ कि जैसे भी हमारे आगे भी सरस मेले होंगे, क्योंकि मंडीवासी इस सरस मेले को आकर्षण के रूप में देखते हैं, बड़ा मनोरंजन होता है, और जब हम शिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे तो लोग मुझे शिवरात्रि से ज़्यादा ये पूछ रहे थे कि सरस मेला इस बार है या नहीं, तो लोगों का सरस के प्रति बहुत बहुत आकर्षण है, और आप लोग इसी तरीके से आपके अनोखे प्रोडक्ट्स यहाँ पर ले आते हैं, लोगों को खरीदने का मौका मिलता है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलता है, अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, उसके लिए लोग देखते हैं और इंतज़ार करते हैं लोग सरस मेले के लिए। तो आप आने भी आने वाले दिनों में भी आने वाले सालों में जब हमारा सरस मेला यहाँ पर होगा, आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप उसमें भी बढ़ चढ़ कर इसमें आए, मंडी में आए और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखें, ताकि मंडीवासी यहाँ के सभी लोग इसका आनंद उठा सके, और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं अतिरिक्त उपायुक्त महोदय इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि कम समय में बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी वो इन्होंने की, कम समय था, शिवरात्रि का भी प्रेशर था, उसके बावजूद एक अच्छा सरस मेले का आयोजन यहाँ पर हुआ। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए मंडी से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट।